पोर्टुगल का राजधानी लिस्बन, लिस्बन का एयरपोर्ट और ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल फील है थोड़ा सा। तो एयरपोर्ट पे ही है मेट्रो स्टेशन लिस्बन का। ये रूम 4 out of 10 बांग्लादेशी मिले और बाकी 2 out of 10 पंजाबी मिले। पोर्टुगल ने अपना डेरा डाला था सारी कंटिनेंट पर, सब जगह पे कैश मांग रहे कैश मांग रहे। बिल्डिंग सब बहुत सुंदर है पर लिस्बन का तो असली मजा दिन में है, जहाँ पे आप ले सकते हो इसके फेमस ट्रैम राइड्स और देख सकते हो इस खूबसूरत शहर को, एंजॉय कर दो इसके सस्ते कॉफी कैफेज और बहुत कुछ। इस वीडियो में बताऊंगा पुर्तगाल के सारे हिस्ट्री के बारे में। बहुत ही मजेदार और खूबसूरत शहर था लिस्बन। लेट्स एक्सप्लोर इट विद योर एक्सप्लोरर राजा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पेरिस एयरपोर्ट। और ये भाई वीवी एयरपोर्ट है। मैं जब पहली बार यूरोप आया था 2019 में, मेरा फ्लाइट इधर से ही था, पेरिस में इधर ही आया था, फर्स्ट पॉइंट था। और आज यहीं से फ्लाइट लेके जा रहे हैं एक और जगह। अभी भी पहले भी 3 का था, अभी भी 3 का है छोटा एयरपोर्ट। यार मेरा स्विस स्टैम्प ले लिया इस बार। तो यूरोप के सबसे सस्ते एयरलाइन में मेरी आज तक की सबसे सस्ती फ्लाइट कहूँगा मैं, जो एक्चुअल 14 यूरो की है और सब मिला जुला के 26 यूरो के बढ़ गया। तो चलते हैं रायनेयर पे, 2.5 घंटे की फ्लाइट होने वाली है फ्रॉम पेरिस टू लिस्बन, फ्रांस के कैपिटल से पोर्टुगल के कैपिटल में। तो भाई बैग रख दिया प्रायोरिटी बोर्डिंग करके। आई थिंक ये वाली सीट्स का लेग रूम अच्छा मिलता है क्योंकि उतना तो खराब है नहीं, बट हाँ रिक्लाइन होगा नहीं इतना पता है सबको। सामने के सीट्स मिल गए, चलो चलते हैं पोर्टुगल। दो घंटे बिल गए बट अच्छा लगा, उतना ख़राब नहीं था रायनेयर में एक्सपीरियंस। मतलब मैं तो सो रहा था 1 घंटा और फिर 1 घंटा मूवी देखा फ़ोन पे। और भाई बहुत जगह है यार, बहुत जगह है। उतना भी ख़राब नहीं था रायनेयर, जो लोग बोलते रहते हैं कि सबसे ख़राब है सबसे ख़राब है, मेरे को तो ठीक ठाक ही लगा। और ये है पोर्टुगल का राजधानी लिस्बन, लिस्बन का एयरपोर्ट। लिस्बन में स्वागत है। यहाँ पर भाषा यूज़ किया जाता है पुर्तगीज। मैं पहले ब्राज़ील में था, वहाँ पे पुर्तगीज यूज़ किया जाता है, यहाँ पे पुर्तगीज पर थोड़ा अलग है। और करेंसी यूरो है, यू में आ जाता है। तो मेरा जो लाइका मोबाइल का सिम कार्ड है यहाँ पे काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ से बस लेके जाते हैं सिटी के अंदर। और वाह ठंड तो है बट सनलाइट है और ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल फील है थोड़ा सा। एयरपोर्ट पे ही है मेट्रो स्टेशन, आप मेट्रो लेके भी ले सकते हो, बस भी ले सकते हो। और यहाँ पे कार्ड बना लो, तो सिस्टम सही है, 50 सेंट का एक कार्ड और फिर रिलोड करो यूज़ करो, सबको कार्ड बनाना ही पड़ेगा। तो वैसे तो महंगा नहीं है कहूँगा, 50 सेंट बनाते हैं और निकलते हैं सिटी की तरफ। अभी टाइम हो रहा है यूरोप में 3:30 बट पोर्टुगल में 1 घंटा आगे चला गया। तो यूरोप में नहीं पीछे आगे कुछ होगा, फिर अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 2:30 और पूरे यूरोप में 3:30, तो इंडिया के साथ 5.5 घंटे का डिफरेंस हो गया है। हाँ वैसे होगा। तो ये रीयूजबल कार्ड बन गया है, इसको मैं 2 बार यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने पैसे तो भर दिया है, अभी देखते हैं क्या सीन। और ये है लिस्बन, लिस्बन का ये रूम। ये रूम पड़ा €15 का। ये सब अब देखो मेरे को बहुत मिडल ईस्ट की याद दिला रहा है, जैसे मैं जॉर्डन में था वैसा लग रहा है। अभी बजे शाम के 3:30, बाहर चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। तो वो है पोर्टुगल वाला फ्लैग, और वो यूक्रेन वाला इग्नोर कर दीजिए, वो तो आपको पता है पूरे यूरोप में दिख रहा है, ग्रीन रेड और बीच में एक साइन। और ये है पोर्टुगीज घर, पीला रंग बहुत यूज़ किया जाता है पोर्टुगीज घरों में। और इधर भी अपने देसी जैसे ही कपड़े सुखा रहे। अभी मेरे को 100% नहीं पता कि ये पोर्तुगीज लोग हैं या फिर देसी लोग हैं, क्योंकि इन घरों में हो सकते हैं कि ज़्यादातर देसी लोग हैं। क्योंकि अभी तक मेरे को पुर्तगाल में बहुत सारे 1-2 घंटे हुए, अभी तक मेरे को बांग्लादेशी तो 4 out of 10 बांग्लादेशी मिले और बाकी 2 out of 10 पंजाबीज मिले और बाकी 4 out of 10 अपने पोर्तुगीज मिले। तो हो सकता है कि ये जो घर है इनमें देसी लोग रहे और देसी लोग सुखा रहे। बाकी पुर्तगाल बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है, बहुत कुछ बताऊंगा पुर्तगाल के बारे में, अब बने रहिए। मज़ा आ रहा है, फील अच्छा रहा है। ये ग्रीन पिस्ता कलर बहुत सुंदर लग रहा है।
यूरोप में तो बहुत सारे शहर देख चुका हूँ, यूरोप में तो मैंने ये आखिरी हफ्ता है, बट हर शहर में बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सेम टाइप का रहता था, मतलब सेम टाइप के घर दिख रहे हैं, बट यहाँ पे पोर्टुगल में आके फाइनली कुछ अलग लग रहा है, कुछ अलग फील आ रहा है। हर बिल्डिंग अलग कलर के, हर बिल्डिंग टूटे फूटे हैं, हर बिल्डिंग में कलरफुल है इतना सारा कि लग रहा है कि हाँ कुछ नए जगह पर है। अच्छा लग रहा है, पोर्टुगल में मज़ा आ रहा है। यार मैंने पुर्तगाल को लास्ट क्लियर किया था, मेरा पूरे मेनलैंड यूरोप में जितने भी शेंगन कंट्रीज हैं, ग्रीस छोड़ के पुर्तगाल मेरा आखिरी यूरोपियन कंट्री होगा। उसके बाद शेंगन छोड़ के बहुत सारे कंट्रीज बचे हैं, और शेंगन में सिर्फ ग्रीस बचा है, माल्टा बचा है और आइसलैंड बचा है। पुर्तगाल लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत मज़ा आ रहा है ऑलरेडी। भाई आपने बताओ, आपने कभी ऐसा कुछ देखा है कि नहीं? सिटी के अंदर कोई मॉल वॉल नहीं है, सिटी के अंदर बस बना दिया फेनिकुलर ताकि लोग ऊपर जा सकें। स्वागत है पुर्तगाल में, पुर्तगाल के इस एरिया में। बहुत सुंदर लग रहा है देश, उस साइड में भी शायद है, नहीं है। और ये एरिया मेरे को पूरा अपना कन्नौट प्लेस लग रहा है। आप अगर अच्छे से देखोगे चारों ओर देसी ही देसी है, चारों ओर है। ये फेमस ट्रैम है लिस्बन का, आप अगर गूगल में सर्च करोगे पुर्तगाल लिस्बन तो आपको ये ट्रैम जरूर दिखेगा। यहाँ पे नहीं दिखेगा, ये तो बेसिक है, एक चरान है, चरान पे चलता है, वहाँ पे बहुत सुंदर लगता है, तो वो फोटो जरूर दिखेगा आप लोगों को, आप जरूर देखना। और मैं ये ट्रैम राइड जरूर लूँगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। भाई आप कुछ भी मांग लो, आप बांग्लादेशी मांग लो, आप पंजाबी मांग लो, आप गुजराती मांग लो, आप नेपाली मांग लो, आप कुछ भी मांग लो, सब यहाँ पे मिल रहा है, सब। अभी मेरे को पहली बार एक बड़ा नेपाली ग्रुप मिला, इधर नेपाली भी बहुत सारे हैं। तो पुर्तगाल में तो अलग ही सीन चल रहा है, मैं तो लास्ट में आया पर पुर्तगाल में तो अलग ही सीन चल रहा है। यहाँ पर इसका क्या सीन चल रहा है पता नहीं, बट पुर्तगाल में अलग सीन चल रहा है। और आ गए समुद्र के पास। ये समुद्र का नाम क्या पता नहीं, अटलांटिक समुद्र है क्या पता नहीं, बट पुर्तगाल आप लोगों को अगर बता दूं थोड़ा बहुत, स्पेन के साइड में आता है, सिर्फ स्पेन के साथ बॉर्डर है और यूरोप के पूरे वेस्ट में है, पूरे वेस्ट में है। जैसे इंडिया के पूरा वेस्ट में गुजरात है, वैसे ही यूरोप के पूरे वेस्ट में है पुर्तगाल। बहुत बड़े ये लोग जहाजी वाले लोग हैं, जहाज लेके एक्सपीडिशन में निकलते थे, क्योंकि पूरे वेस्ट में है। पुर्तगाल ने अपना डेरा डाला था सारे कंटिनेंट पर, अपना इंडिया एग्जांपल है गोवा, पुर्तगाल कॉलोनी है, फिर अफ्रीका में है एंगोला, तीन चार और देश है जो कि पुर्तगाल कॉलोनी है, मोजाम्बिकी है, फिर ओशियनिक्स में है ईस्ट तिमोर, फिर अपना चाइना का छोटा पार्ट मकाओ जहाँ पर मैं गया था वो भी पुर्तगाल है, पूरा ब्राज़ील पुर्तगाल है। तो हर कॉन्टिनेंट में पुर्तगाल ने अपना हाथ पैर मारा है, और पुर्तगाल का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, बहुत ही पुराना कंट्री है, बहुत हिस्ट्री है। पता नहीं ये कौन सा राजा है, बट आपका एक्सप्लोर राजा 67 कंट्री में मज़े कर रहा है, मज़ा आ रहा है। ये जगह ना मुझे पूरा इस्तांबुल की वाइब दे रहा है, लग रहा है कि मैं अभी यूरोपियन साइड में हूँ, अभी बोट लेके चला जाऊँ एशियन साइड। आप लोग जो लोग इस्तांबुल जा चुके हो आप लोग थोड़ा रिलेट कर पाओगे। बाकी हम लोग समुद्र के किनारे आ गए और उधर सनसेट होने का अभी भी थोड़ा टाइम है।
रस्से घाट तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक सिटी है यूरोप में जिसके मुझे एकदम याद दिला रहा है, वो है इटली में नेपल्स। नेपल्स से इटली के साउथ में, वहाँ से मैं गया था अमाफी कोस्ट। अमाफी कोस्ट ज़्यादा टूरिस्टिक है, जो नेपल शहर है वो एकदम रिजेंबल कर रहा है इस गलियों के। जैसे ऐसा ही था, इमिग्रेंट से भरे पड़े थे और सस्ता था, मज़ेदार था। ज़्यादा क्राउड था नेपल्स में एक्चुअली, यहाँ पे उतना क्राउड नहीं है। आई थिंक समर से ज़्यादा क्राउड होगा, बट एकदम नेपल्स की याद दिला रहा है जो कि इटली का सिटी है। तो हर जगह में यूरोप में आपको सुविनियर्स मिल जाएंगे, ये मैग्नेट्स वाले 3.5-4.5 यूरो में, और यहाँ पे 1 यूरो में मिल रहा है। पुराने यूरोप के दिन याद आ गए जहाँ 1 यूरो में हर जगह पे फ्रिज मैग्नेट मिल जाता था। बट ये चीज़ मैं बहुत देशों में लिया हूँ, 1 यूरो 1.5 यूरो का एवरेज देखे इस पर ले लिया मैंने। एक की रिंग टाइप का है पुर्तगाल 2 यूरो में, जिसमें नेल कटर भी है, अपने ट्रैवलर्स के काम आ जाते हैं नाखून वाखून काटने के लिए। और ये फेमस पुर्तगीज पेस्टल है, ये मैंने बहुत खाया था मकाओ में। मकाओ में तो मिल रहा था आई थिंक 20 रुपये करके एक, यहाँ पे ज़रूर ये कम से कम 1 यूरो का होगा, कम से कम मतलब 90 रुपये का होगा। बहुत टेस्टी था, मेरे को इतना याद है, तो ट्राई करना तो बनता है। मुझे एक ब्राज़ीलियन प्लेस मिला और पूरे यूरोप ट्रिप में सबसे सस्ता कॉफ़ी बना के दिया मशीन से 50 सेंट्स में। काफ़ी पुर्तगीज 50 सेंट्स यानी कि 40 रुपये में सबसे सस्ता कॉफ़ी मिला है मेरे को यहाँ पे पुर्तगाल में। बिल्डिंग्स तो बहुत सुंदर है, पर लिस्बन का असली मज़ा आई थिंक दिन में ही होगा सनसेट के टाइम में। तो अभी के लिए घर चलते हैं वापस और कल दिखाएंगे आप लोगों को लिस्बन फिर से दिन में अच्छे से, और बताएंगे पुर्तगाल के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिटी है, इतना दूर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस टाइम पर फॉलो जरूर करो एक्सपीरियंस पे, और कल मिलते हैं ना। स्वागत है डे 2 में लिस्बन में, लिस्बन का कैपिटल, पुर्तगाल का कैपिटल लिस्बन में। और अभी दिन के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1, हम लोग लेंगे ये ट्रैम 28। अरे ये तो मिस हो गया, अगला वाला लेंगे ट्रैम 28, बहुत खास है ये रूट, ये रूट पूरा शहर घुमाएगा। अगला वाला ट्रैम लेंगे 28, बहुत फास्ट जा रहा है यार। हम जी यार how much? 3 euros? Yes. Yeah, you can film inside, okay? तो ये है फेमस ट्राम 28, अंदर मूवी बनाने को बना किया है, पर हम लोग तो बनाएंगे यार। और बहुत सारे, एक लिए कम से कम हर 10 सेकंड में एक जा रहा है, तो ये बहुत फेमस है। 3 यूरो ले लिया है, 1-2 यूरो नहीं, 3 यूरो। 3 यूरो तो बहुत महंगा होता है, बट ये मज़ेदार राइड है, तो राइड बड़ा होगा, हिस्टोरिकल राइड कह सकते हो आप। तो हिस्टोरिकल राइड का मज़ा लेते हैं 3 यूरो वाली ट्राम 28 पे। जैम लग गया, उधर सामने भी एक ट्राम है। भाई बहुत पास पास से जा रहा है, लग रहा है कि अभी हाथ लग जाएगा कहीं पे, बट सीनरी बहुत खूबसूरत है। ये राइड तो 2 बार भी लोगे तो अभी आपको बोरिंग नहीं लगेगा, पर दिन में ज़रूर लेना, रात में शायद उतना खूबसूरत ना लगे।
लोग एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं बिना टूरिस्ट के भी लोग हैं जो मज़े ले रहे इस फ्रूट का, कोई कोई थोड़ा मज़े ले रहे हैं, कोई पूरा। और यहाँ से 4.5 यूरो देके मैंने काट लिए बाल, 3 महीने हो गए थे, इतने बड़े बाल मेरे कभी नहीं थे। और पूरे यूरोप में बाल काटने के 15 यूरो 20 यूरो 15 यूरो 20 यूरो, पुर्तगाल में यहाँ पे हम लोगों ने 4.5 यूरो में बाल कटा लिए। और सारे जो थे देसी थे अपने, सब बता रहे थे मैं पेपर बन गया। अपने बोला नहीं यार मैं डंकी नहीं मारा हूँ, मैं टूरिस्ट आया हूँ इधर। सारे डंकी वाले थे, पुर्तगाल में बहुत फटाफट पेपर बन जाता है ना, बहुत कॉमन बात है ये वाला खाना कॉफ़ी के साथ। 1.1 यूरो 100 रुपये में एक एक्सप्रेसो और एक छोटा सा यहाँ का डेलिकेसी, बहुत स्वादिष्ट है। इधर सुंदर खड़े होंगे सब। देख सकते हो तो बहुत सारे क्यूट क्यूट कैफेज हैं यहाँ पे, बहुत सारे क्यूट क्यूट कैफेज हैं, बट प्राइसेस तो बहुत सस्ती है। जब प्राइसेस सस्ते हो जाते हैं एक प्रॉब्लम आ जाता है, वो है कार्ड से पेमेंट। तो कार्ड से पेमेंट यहाँ पे नहीं ले रहे, सब जगह पे कैश मांग रहे। तो आप जब भी वेस्ट यूरोप ट्रैवल करो या फिर नॉर्थ यूरोप ट्रैवल करो, स्कैंडिनेविया ट्रैवल करो, एक बार भी मेरे को कैश टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ा इस पूरे ट्रिप में। इस पूरे ट्रिप में मेरे को बस कैश की ज़रूरत पड़ा लातविया में एक बार बस का टिकट लेने के लिए, और मेरे को कैश की ज़रूरत पड़ा इधर पुर्तगाल में। और आपको यूरोप में मैं बता रहा हूँ, मैंने पूरा यूरोप घूम चुका हूँ, जो शेंगेन पार्ट है उसमें पुर्तगाल स्पेन और इटली, इन तीनों कंट्री में आपको कैश की ज़रूरत पड़ सकती है, बाकी सारे कंट्रीज में आप बिना कैश के कार्ड से काम चला सकते हो। सुंदर विंग पॉइंट है सूरज इधर, और पीछे कलरफुल पूरा लिस्बन। लिस्बन शहर अब तक की यूरोपियन सिटी में मेरे हिसाब से बहुत ही खूबसूरत कैपिटल है, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज है। लिस्बन बहुत सारे पहाड़ों में, बहुत से मल्टीपल हिल्स में बना है, बट उतने भी हाई नहीं है कि आपको चलने में तकलीफ होगी, और वरना ट्रैम तो ले ही सकते हो, बट अलग अलग लेवल्स पे अभी हम लोग इस लेवल से उस साइड देख रहे हैं। अब मेरा मन तो है उस कैसल तक जाने का और उधर से सनसेट का मज़ा लेने का, देखते कितना दूर होता है। बाकी लिस्बन के वो साइड जो है नदी क्रॉस करने के बाद, ये नदी या फिर समुद्र कुछ होगा, आई थिंक नदी है, वो भी एक शहर है, बट मेन लिस्बन बहुत सुंदर है यार सेंटर। पुर्तगीज घर भी अच्छे बनाते हैं और अभी अपने शहर भी अच्छे बना चुके हैं। तो ये भाई चेस्टनट्स है, बहुत बिक रहा है इधर, ट्राई करते हैं 3 यूरो में एक ठोंगा मिल गया। अभी हम लोग मॉल पे हैं, नहीं नहीं ये मॉल नहीं है, ये एक्चुअली शहर है। शहर के बीच में स्टेयर्स को स्किप करने के लिए यहाँ पे एस्केलेटर बनाया गया है। आप बताओ कभी किसी शहर में देखे हो ऐसी मेन शहर के रास्ते को स्किप करने के लिए, स्टेयर्स को स्किप करने के लिए एस्केलेटर? ये है पुर्तगाल में, पुर्तगाल को बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को, पुर्तगाल लोग क्या बात। पॉइंट है बहुत ही सुंदर सा, मज़ा आ गया इस व्यू पॉइंट में। आप आओ इधर और मज़े लो व्यू पॉइंट में। कैसल जाने की जरूरत नहीं, कैसल जाने के लिए पैसे चाहिए होंगे 28 यूरो के आसपास। इधर आओ पी का मज़ा लो। अब ये पूरा जो स्ट्रीट था, पूरा स्ट्रीट आजू बाजू बहुत साइड में जितने भी दुकान थे सारे देसी, पूरा एरिया देसी, पूरा का पूरा एरिया देसी है। बार्बर से लेके पान का दुकान सब कुछ इधर, सब कुछ देसी है, हर कोई देसी है, नेपाली बांग्लादेशी पूरा एरिया ही ऐसा है। लग ही नहीं रहा मतलब कोई भी गली जा रहा हूँ, लग रहा है
इंडिया में ही हूँ, बस बिल्डिंग अलग है। तो देखो यहाँ पे दिख गया नेपाली स्टोर, और नेपाली स्टोर से मैंने ले लिया कुरकुरे। 20 रुपए वाला कुरकुरे मैंने पड़ा 1.25 यूरो, यानी कि 110 रुपए के आसपास, और मिल गया वाई वाई 40 सेंट में। 10 रुपए का वाई वाई ये सस्ता मिला, ये मेरे को मिल गया 35 रुपए में। तो वाई वाई का तो प्राइस सही था, कुरकुरे तो ज़्यादा महंगा है, बट कुरकुरे तो तेरा है, महंगा है पर मेरा है।